प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी मनासा नगर में मंगलवार को सेन समाज द्वारा सेन समाज मंदिर में भगवान रघुनाथ जी की पालकी बीनबाजी के साथ नाचते झूमते हुए निकाली गई। रघुनाथ मंदिर से शुरू हुई पालकी यात्रा अनबपुर गली, धोबी मोहल्ला, मोची मोहल्ला, सदर बाजार होते हुए सुदामापुरी धर्मशाला पहुंची, जहां पर विधि विधान से भगवान रघुनाथ जी की महाआरती की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में सेन समाज के वरिष्ठ जन, महिला, युवक, युवतियां मौजूद रहे। साथ ही सेन समाज द्वारा सम्मान समारोह का भी कार्यक्रम रखा गया, जिसमें चुनावों में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का माला पहना कर सम्मान किया। साथ ही प्रतिभाशाली क्षेत्र में सेन समाज का नाम रोशन करने वाले छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र व शील्ड देकर सम्मानित किया गया। अतिथि के रूप में दीपक सिंह गहलोत, जिलाध्यक्ष भरत सिसोदिया बंडलोई, युवक जिलाध्यक्ष नगर अध्यक्ष जगदीश कोराना, दशरथ सेन व नगर सहित आसपास क्षेत्र के कई वरिष्ठ गण मौजूद रहे। ये जिला सेन समाज के अंदर एक अनोखी प्रथा है मनासा क्षेत्र में, और मनासा तहसील द्वारा ये करीब 50 वर्षों से ये सेन समाज द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन होता है नागपंचमी उत्सव का। और नागपंचमी उत्सव मनासा क्षेत्र और यहाँ पर आसपास के जितने भी लोग सबको बुलाकर उनका सम्मान किया जाता है। और इस बार बहुत ही अच्छा कार्य मनासा सेन समाज द्वारा किया जा रहा है कि हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि इस बार चुनाव जीत कर आए हैं उनका, और जितनी भी हमारी समाज की जो प्रतिभाएँ हैं 10वीं और 12वीं में और कॉलेज में जो इन्होंने उच्च अंक प्राप्त किए हैं उनका सम्मान भी यहाँ किया जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी प्रथा हमारे समाज की, जिससे कि बच्चों में सर्वांगीण विकास हो और उनमें लालसा बढ़े प्रतिस्पर्धा के इस युग में। मैं अपने युवा सेन समाज संगठन की ओर से समस्त सेन समाज नीमच जिले की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को और सभी बंधुओं को नागपंचमी उत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। नागपंचमी के इस पावन पर्व पर सेन समाज और समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे मनासा नगर में सेन समाज द्वारा पिछले कई वर्षों से 50-60 से भी अधिक वर्षों से ये नागपंचमी महोत्सव मनाया जाता है। यह महोत्सव इसलिए मनाया जाता है, यह माना जाता है कि सेन समाज की उत्पत्ति नाग की नाभि से हुई है, इसलिए हमें नागवंशी भी कहा जाता है और उसी की परंपरा मनासा नगर में सेन समाज ने जीवित रखी है। आज सेन समाज द्वारा जो नागपंचमी महोत्सव मनाया गया है वह हमारे मंदिर श्री रघुनाथ जी से शोभा यात्रा के रूप में नगर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ सुदामापुरी पर उसका समापन हुआ। यहाँ पर नीमच जिले से जो समाज के जनप्रतिनिधि हाल ही चुनाव में जीते गए हैं उनका सम्मान समारोह भी किया गया। साथ ही मनासा क्षेत्र के जो 10वीं 12वीं और कॉलेज में बच्चे 75% से अधिक के नंबर लाए हैं उन सभी का भी प्रशस्ति पत्र और शील्ड देकर उनका सम्मान किया गया है। वो सम्मान इसलिए किया गया है कि बच्चों में पढ़ाई के प्रति लगन हो और प्रतिस्पर्धा में वो सक्रियता से भाग ले सके और अच्छे पदों पर पहुँच कर सेन समाज का नाम रोशन करें। पुनः बच्चे हम जिला स्तर पे हम भी पिछले 25 वर्षों से सम्मान कर रहे हैं और जो आगामी कुछ ही दिनों में जिला स्तर पर भी इन बच्चों का सम्मान किया जाएगा। इससे ये बात यह हुई है कि हमारे समाज में जो पढ़ाई के प्रति जागरूकता नहीं थी, इस पुरस्कार वितरण के पश्चात हमारे समाज से सीए बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, बैंकों में भर्ती हो रही है, सेना में जा रहे हैं। साथ ही पिछले दिनों मनासा से हमारे पुनीत गहलोत ने आईएएस और आईपीएस दोनों ही परीक्षा उत्तीर्ण कर समाज का नाम ही क्षेत्र में नहीं पूरे हिंदुस्तान में समाज का गौरव बढ़ाया है। चेतना गहलोत ने एमपीपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कर महिलाओं में हमारे सेन समाज की जो छात्राएं हैं, युवा छात्राएं हैं, उनमें भी प्रतियोगी परीक्षाओं प्रति एक आकर्षण पैदा किया और हमारी छोटी छोटी बालिकाएं बहनें भी अब कंपटीशन में भाग ले रही है। उनका सपना है कि हम भी चेतना जैसे मतलब एमपीपीएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर समाज का नाम रोशन करें। ऐसे नौनिहाल बच्चों को मैं पुनः शुभकामनाएं देता हूं कि उनके लक्ष्य की प्राप्ति हो। मनासा से बद्रीलाल गुर्जर की ये रिपोर्ट।